नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। करहल से सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर करारा तंज कसा है। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव को बबुआ बताया और कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर देता है जिससे मैनपुरी वासियों के सामने संकट खड़ा हो जाता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सपा और अखिलेश यादव पर हमला बोला है। बबुआ अभी पानी नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। सीएम योगी उपचुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। खैर सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने एसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि हमें बांटने वाले लोगों से सावधान रहना होगा और किसी के बहकावे में आए तो फिर से यूपी के सामने पहचान का संकट पैदा होगा। समाजवादी पार्टी सभ्य समाज के लिए कलंक है, लाल टोपी के काले कारनामे हैं। तो उपचुनाव की जंग, मुख्यमंत्री का प्रचार प्रचंड, एक बार फिर से सपा और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। राहुल और अखिलेश पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने तीखे वार किए। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जो मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस जब भी सफल होगी आपको विभाजित करके सफल होगी। अब इसीलिए मैं कहता हूं, बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का पान हमें छेदना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था, भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, पटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बहन और भाइयों, इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, इसकी पहचान क्या है, इसका असली चेहरा देखना है। अयोध्या में निषाद और कश्यप जाति की बेटी के साथ इनके नेता ने जो किया था, मोइन खान ने जो काम जो कृत्य किया था, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? इनके एक नेता कन्नौज में भी है, उसने जो कृत्य किया था एक बेटी के साथ में। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज के लिए कलंक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत दीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है। लखनऊ में सीएम योगी ने आकांक्षा हाट का उद्घाटन किया। महिला सशक्तिकरण को लेकर हाट लगाया गया और उसके अलावा सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी ने यूपी की पहली डबल डेकर ईवी बस को रवाना किया। तो डबल डेकर ईवी बस को हरी झंडी दिखाई गई मुख्यमंत्री द्वारा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस प्रकार पहली ईवी बस में खुद उन्होंने लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ सफर किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद। लखनऊ में आकांक्षा हाट की शुरुआत हुई है और डबल डेकर बस भी रवाना की गई। खास बात यह है कि ये ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, पर्यावरण
पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए सुगमता के साथ लोगों को सफर प्रदान करने के लिए ये डबल डेकर बस अब सड़कों पर दौड़ेगी, जिसको हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिखाई। इसके पहले सीएम योगी गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे और उस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उन्हें चॉकलेट दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी से हो रहे खतरे के प्रति बच्चों को आगाह किया। सीएम योगी ने कहा कि आज के डिजिटल युग में हम स्मार्टफोन में कैद हो गए हैं। हम आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रही है। टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाना किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ज्यादा किताबें पढ़े, आगे बढ़े। बच्चों के साथ बातचीत में ये चीज उन्होंने बच्चों को समझाई और कहा टेक्नोलॉजी का यूज करना अच्छी बात है, लेकिन उनका गुलाम बन जाना अच्छी बात नहीं है। आज टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए उन्होंने बच्चों को किताबों के प्रति प्रेरित किया। यहाँ श्रवण, मनन और निधिध्यासन की एक परंपरा रही है, यानी सुनना, फिर उसका मनन करना और फिर उसका जो अच्छा है उसको अपने जीवन में आचरित भी करना। इस महान परंपरा के हम वारिस हैं और उस परंपरा को विस्मृत करके हम लोग जिस डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें ये अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग जाए और हम टेक्नोलॉजी के दास बन जाएं, यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में खजांची का जन्मदिन मनाया गया और उस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नोटबंदी के दौरान जन्म लेने वाले खजांची यादव का 8वां जन्मदिन मनाया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहे और सपा कार्यालय में हर साल खजांची का जन्मदिन मनाया जाता है। अखिलेश यादव ने खजांची को साइकिल गिफ्ट की। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी घबराई है और अब इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो एनकाउंटर वाले हैं अब उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो यह है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। यूपी में बीजेपी और एसपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। इसी क्रम में लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर नया पोस्टर लगाया गया। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में एसपी नेता ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया और नए पोस्टर में लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। सपा के नेता मोहम्मद इखलाक ने पार्टी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगवाया है। तो लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर ये नया पोस्टर लगाया गया है। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में एक और पोस्टर, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे, तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। ये बातें इस पर लिखी गई हैं। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर लगातार जारी है, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हम इस वक्त सपा कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां हमारे पीछे आप ये पोस्टर देख पाएंगे। इस पर लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे, तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। इसके अलावा इसमें अच्छे दिन को महंगे दिन बताते हुए इस पोस्टर में दर्शाया गया है। और ये जो पोस्टर है ये समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक की तरफ से यहां सपा कार्यालय के पास लगाया गया है। कुछ इसी तरह से इससे पहले भी पोस्टर्स लगाए गए थे, जिनको सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के बयान के जवाब के रूप में देखा जा रहा था। यूपी में अब उपचुनाव होने हैं, ऐसे में हर कोई इन पोस्टर्स के जरिए बड़ा मैसेज देने का काम कर रहा है। योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। यही वजह है कि भ्रष्ट अफसरों पर समय समय पर सख्त कार्रवाई की जाती है। अब उसके रडार पर राज्य विभाग के भ्रष्ट अफसर हैं।
शासन ने राज्य कर विभाग के भ्रष्ट अफसरों के नाम मांगे हैं। सभी जोनल आयुक्तों से भ्रष्ट ऑफिसर्स की लिस्ट मांगी गई है। आने वाले वक्त में इन अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचारी अफसरों पर कार्रवाइयां करती आ रही है। इसको लेकर अब शासन ने राज्य कर विभाग के तमाम भ्रष्टाचारी अफसरों की सूची मांगी है। सभी जोनल अफसरों से सूची मांगी गई है। उसके मानक तय किए गए हैं कि किसने कितना राज्य कर वसूला है। इसके अलावा तमाम बिंदु उसमें दिए हुए हैं, तो ऐसी सूची अब तैयार की जा रही है। शासन के इस आदेश से राज्य कर विभाग के भ्रष्टाचारी अफसरों में हड़कंप भी मचा हुआ है। जाहिर सी बात है कि राज्य कर विभाग के अब जो भी अफसर हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जल्द ही उनके नामों का खुलासा होगा और उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होंगी। दिल्ली में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने विदाई समारोह में ट्रोलिंग के मुद्दे पर शायरी सुनाई। इस मौके पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। आपको बता दें, कल दिल्ली में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का विदाई समारोह था। I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shayari, and the shayari is, Mukhalif se meri shaksiyat samvarti hai. Mukhalif se meri shaksiyat samvarti hai. Main dushmanon ka bada ehtiram karta hoon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के करीब एक महीने बाद एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने रतन टाटा को कई तरह से याद किया। आपको दिखाते हैं वो लेख। इस लेख में पीएम मोदी ने लिखा है, उनकी कमी भारत समेत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आर्टिकल में लिखा कि रतन टाटा को हमें छोड़े एक महीना हो चुका है। शहरों और कस्बों से लेकर गांवों तक हर सामाजिक वर्ग में उनकी अनुपस्थिति को गहराई से महसूस किया जा रहा है। अनुभवी उद्योगपतियों, नए उद्यमियों और मेहनती पेशेवरों को उनकी कमी खल रही है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और परोपकार के प्रति समर्पित लोग भी उतने ही दुखी हैं। उनकी अनुपस्थिति न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में महसूस की जा रही है। तो दुनिया में महसूस की जा रही है उनकी कमी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यादों को भी साझा किया रतन टाटा के साथ। उन्होंने बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया, ये बात भी पीएम ने लिखी। दूसरों के सपनों का समर्थन उनका विशेष गुण था। जन कल्याण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता थी। उनकी करुणा सभी जीवित प्राणियों तक फैली थी। जानवरों के प्रति उनका गहरा प्रेम था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि रतन टाटा को हमें छोड़े एक महीना हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गमले में उगे नेता हैं और अमित शाह राजनीति के बरगद हैं। उन्होंने कहा, यूपी में योगी सरकार के फैसले का चॉकलेटी नेता विरोध करते हैं। धार्मिक कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं को आने से उन्होंने अपशगुन करार दिया। राहुल गांधी जी अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते तो संविधान का सम्मान नहीं करते। राहुल गांधी जी भारत माता का सम्मान नहीं करते तो वो संविधान का सम्मान कैसे करते। राहुल गांधी जी किसी का सम्मान नहीं करते, सबका अपमान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते, संविधान का सम्मान क्या करेंगे। मुझे लगता है सरदार पटेल के बाद इस देश में इतना ताकतवर और दृढ़ संकल्पित गृह मंत्री कोई नहीं हुआ जितने अमित शाह हैं। अगर अमित शाह जी ने कहा है कि ये फर्जी संविधान की बात जो उन्होंने कही है सही कही है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो ये सब गमले में उगे हुए नेता हैं और अमित शाह राजनीति के बरगद हैं। गोपाष्टमी के अवसर पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने गायों की पूजा की। इस मौके पर उन्होंने गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन किया।
बांटोगे तो काटोगे पर हो रही विपक्ष की बयानबाजी को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। विनाश काले विपरीत बुद्धि वो कहा गया है ना, तो इस तरह की सोच किसी भी संतों के बारे में जब कभी भी असुर प्रवृत्ति बही है, उन्होंने हमेशा संतों का विरोध किया है, देवताओं का विरोध किया है। वह वही प्रवृत्ति मुझे लगता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एक बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर दुर्योधन और रावण का डीएनए तेजी से बह रहा है। रामनगरी अयोध्या में आज गोपाष्टमी धूमधाम से मनाई गई। आज के दिन गायों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने गायों की पूजा कर गायों को चराने का काम शुरू किया। अयोध्या के जगत हॉस्पिटल स्थित गौशाला में वैदिक रीति से गाय का पूजन किया गया और आरती की गई। हम योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि वो गायों का इतना बढ़िया संरक्षण कर रहे हैं और उन्होंने जगह जगह गौशाला खुलवा रखी है जिससे गायों का संरक्षण हो रहा है और उनकी देखभाल अच्छे से हो रही है। आज क्या किया गोपाष्टमी में क्या किया आपने? आज गोपाष्टमी में हमने गायों की पूजा की है। सेवा तो हम रोज ही करते हैं लेकिन आज विशेष पूजा करके उनकी सेवा की है, उनका धन्यवाद दिया है कि वो हमें दूध देती हैं और जिसकी वजह से हम लोग स्वस्थ रहते हैं सारे। अयोध्या में दो दिनों तक राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा खर्च परकोटे के निर्माण में आ रहा है। मंदिर के निर्माण में लगभग 600 करोड़ रुपए तो परकोटे में 800 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। वजह यह कि परकोटे में मंदिर से दो गुना पत्थर लग रहा है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर परिसर में बन रहे सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर के भी निर्माण की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा परिसर में बन रहे सभागार, विश्राम गृह और ट्रस्ट का प्रशासनिक कार्यालय सभी का टेंडर जारी हो चुका है और 20 नवंबर से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चुनौती भरा कार्य जो है वो परकोटे का है। परकोटे के कार्य को पूरे मंदिर में अगर सोचा जाए तो परकोटे में सबसे अधिक कार्य है, मटेरियल का भी, लेबर का भी और धनराशि का भी। यो आप अनुमान लगाएं कि अगर करीब मंदिर के निर्माण में 600 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है तो परकोटे के निर्माण में करीब 800 करोड़ है क्योंकि उसमें दुगना पत्थर लगना है। चुनाव दर चुनाव बीएसपी का जनाधार लगातार घट रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को अगर छोड़ दें तो बसपा पिछले कई चुनाव में कोई कमाल नहीं कर पाई है। मायावती के दलित वोट बैंक पर पहले एसपी ने सेंध लगाई, अब चंद्रशेखर आजाद चुनौती देने को तैयार हैं और सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर अब दलित राजनीति की धुरी बनना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या बीएसपी के लिए चंद्रशेखर आजाद बड़ी चुनौती बन रहे हैं? विधानसभा उपचुनाव में जीतना सभी पार्टियों का मकसद है लेकिन बीएसपी के लिए चुनौतियां इससे कहीं बढ़कर हैं। बीजेपी आरएलडी के प्रत्याशी जहां ताल ठोक रहे हैं तो वहीं एसपी के प्रत्याशियों को कांग्रेस का समर्थन है। वहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर भी अपनी पार्टी और प्रत्याशी के साथ ताल ठोकते हुए दिख रहे हैं। वेस्ट यूपी में चंद्रशेखर आक्रामक अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। कहां बढ़ रहे भाई? बढ़ रहे। अच्छा सुनो, एक मिनट सुन लो, बांट का तो अब तक राज करा बांटने वालों ने, इब कहां बढ़ रहे? इब तो हम इकट्ठे कर रहे लोगों, ठीक है, सबको इकट्ठे करके साथ लेकर चलेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती बीते कई दशकों से दलित राजनीति का चेहरा रही हैं, लेकिन बीएसपी का जनाधार धीरे धीरे खिसक रहा है। पिछले कुछ चुनाव में उनके दलित वोट बैंक पे बीजेपी और एसपी ने सेंध लगाई। अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर ही नजर आ रहे हैं।
इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हराया जा सकता है तो उसका एक ही गणित है, वो है दलित मुस्लिम जो गठजोड़। ये दलित मुस्लिम गठजोड़ जिस जो भी बना पाएगा, जो भी पार्टी बना पाएगी, बीजेपी हार जाएगी। अगर ये गठजोड़ नहीं बन पाता है तो निश्चित रूप से इसके ना बनने का लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को ही होगा। लोकसभा चुनाव में नगीना से जीतने के बाद चंद्रशेखर दलित वर्ग में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में बीएसपी और एएसपी के लिए दलित वोटरों पर पकड़ बनाने की होड़ है। जो दलित वोटरों को लुभाएगा वही आगे पिछड़ों की सियासत का प्रमुख चेहरा होगा। यूथ कन्विंस करने लगा है बुजुर्गों को भी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में अब जो एक गाना आया था कि ताऊ हट जा पाछे ने, तो वो उस वक्त जो है ताऊ का जमाना चला गया था और यूथ के हाथ में कमान आ गई थी। तो यूथ अब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में है, फैमिलीज के अंदर भी, तो वो शिफ्टिंग हो रही है। और मायावती की तरफ से अभी तक बहुत ठोस प्रयास ऐसे नहीं हो रहे हैं यहाँ पे इस इलेक्शन में कि वो उस वोट बैंक को सहेज सकें, रोक सकें। तो उनके सामने इन उपचुनावों में भी बहुत कड़ी चुनौती है। चंद्रशेखर ने कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर बाकी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बीएसपी ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। तो लोकसभा चुनावों में मिली जीत और उसके प्रत्याशियों को मिले समर्थन से उत्साहित चंद्रशेखर अब दलित राजनीति का नया चेहरा बनने जा रहे हैं। यहाँ जीत के बाद में जब वो हरियाणा जाते हैं, हालांकि हरियाणा की तमाम सीटों पे चुनाव लड़ी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद पार्टी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है यहाँ चंद्रशेखर आजाद की साख का मामला है। और एक तरफ चूंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए कभी बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, पहली बार बसपा ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर आजाद मतलब आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों में किसके पास जो बसपा का जो दलितों का कैडर वोट है वो किस तरफ जाने वाला है। देखने वाली बात होगी कि दलित सियासत में इस नए मोड़ से निपटने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या नई चाल चलती हैं? क्या आकाश आनंद को नए तेवर नए क्लेवर के साथ उतारा जाता है या फिर मायावती खुद ही अपने अंदाज में सियासी पारी खेलेंगी? न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सेना के 14 जवान भी थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक आत्मघाती हमला क्वेटा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास हुआ और जिस वक्त स्टेशन पर यह हमला हुआ वहां काफी भीड़भाड़ थी और उसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने इस आत्मघाती हमले का दंश झेला। बहुत से लोग इसकी चपेट में आ गए। पुलिस और बचाव कर्मियों ने घायलों को क्वेटा के अस्पताल में भर्ती करवाया।